मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश भर में अचानक बदला है मौसम का मिजाज, 15 राज्यों में आज बारिश की है संभावना। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में तापमान में गिरावट यहां पर आई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देश के 15 से ज्यादा राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहां पर जताई है। वहीं दिल्ली में आसपास के राज्यों में धूल भरी आंधी और गर्जन के साथ तेज बारिश के आज आसार है। वहीं दिल्ली में कल यहां पर बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। वहीं दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत यहां पर जरूर मिली है। वहीं दिल्ली में गरज चमक के साथ धूल भरी हवाएं चली है, इससे यहां पर तापमान में गिरावट यहां पर आई है। गर्मी कम रही है सुबह के वक्त, वहीं क्योंकि न्यूनतम तापमान यहां पर 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। वहीं भारत के जिन राज्यों में मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने का अलर्ट है तो उसमें यहां पर पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश, तो एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की भी संभावना यहां पर व्यक्त की गई है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी में बादलों के साथ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान के उच्च इलाकों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन राज्यों में बारिश कल भी यहाँ पर हुई थी जिससे यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश यहाँ पर कुछ स्थानों पर हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक बार फिर मौसम यहाँ पर बदलने वाला है क्योंकि राजस्थान में एक नया पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हो रहा है उसके कारण अगले एक दो दिनों में तेज बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में यहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। वहीं इस दौरान राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर संभागों के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में भी मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान के अंदर 10 और 11 मई को प्रदेश के 16 जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी चलने का है पूर्वानुमान। राजस्थान में नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से कई इलाकों में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। वहीं राजधानी जयपुर में बीती रात ठंडी हवाओं की बहार बहने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत यहां पर मिली है। वहीं अन्य जगहों पर भी सूर्यदेव के तेवर यहां पर तिखे नजर आए। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिन मौसम जो यहाँ पर है वो बिल्कुल शुष्क रहेगा। वहीं 10 मई को फिर मौसम बदलेगा। 10 और 11 मई को प्रदेश के 16 जिलों में तेज मेघा गर्जन के साथ तेज आंधी चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया है। इन 2 दिनों में यहाँ पर राजस्थान के अलवर और भरतपुर, बारा, धौलपुर, झालावाड़ और झुंझुनू, करौली, कोटा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी बाड़मेर, जालौर और बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर और बाड़मेर में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी यहां पर चल सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहां पर कही है। वहीं प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रदेश के विभिन्न शहरों में तापमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान बाड़मेर का 40 डिग्री के आसपास रहा। इसके अलावा वनस्थली में 41 डिग्री आसपास दर्ज किया गया। पाली में 42 डिग्री तापमान उच्चतम यहाँ पर मतलब उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर में 40 और कोटा में भी 40 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 21 और भीलवाड़ा में 24 डिग्री और जोधपुर में 24 और यहाँ पर 22 डिग्री चूरू का तापमान दर्ज किया गया है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। शिवपुरी में झमाझम बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओले गिरे हैं तो कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ 3 मौसमी सिस्टम एक्टिवेट होने का कारण यहाँ पर वातावरण में नमी के चलते मध्य प्रदेश का मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। वहीं बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में विंध्याचल क्षेत्र, रीवा और सतना में तेज हवाओं के साथ कई जगह पर झमाझम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, रीवा, शहडोल और ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में बारिश का अनुमान यहां पर व्यक्त किया है। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, तोमा और धार, उज्जैन, बैतूल और होशंगाबाद जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना जताई है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश
के मध्य क्षेत्रों में उत्तरी भागों में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। उत्तरी पूर्वी की तरफ भी एक ट्रिप लाइन ऊपरी हवा का चक्रवात से दूसरा ट्रिप मध्य प्रदेश से मराठवाड़ा तक है, जिसके कारण वातावरण में नमी आ रही है। भाई बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान और उसके आसपास बने हुए एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत की तरफ से ये पश्चिमी विक्षोभ बढ़ता जा रहा है, तेजी से आने की संभावना है। ऐसे में बारिश का सिलसिला अगले दो तीन दिन तक यहाँ पर एमपी के अंदर जारी रह सकता है। वही शिवपुरी जिले में कल यहाँ पर दोपहर को एकाएक मौसम ने करवट बदली है और करीब यहाँ पर कल करीब 2:30 बजे के आसपास कुछ इलाकों में अचानक मौसम बिगड़ा और कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी यहां पर गिरे हैं। एक तरफ जहां जिलावासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं इस बेमौसम बारिश ने किसानों की यहां पर चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं आज प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की और भी संभावना यहां पर जताई गई है। माना जा रहा है कि ओलावृष्टि और फसलों से नुकसान आज भी हो सकता है। खासकर प्याज की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जिन गाँवों में जिन शहरों में ओलों ने कहर बरपाया है, उनमें यहाँ पर कानाखेड़ी और मचकला और जेरियाखेड़ी और ये आसपास के गांव है, वहां पर ये ओलावृष्टि यहां पर हुई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बदला है मौसम का मिजाज, हल्की बारिश से गिरा है तापमान। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कुछ इलाकों में यहां पर बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल यहां पर बदला हुआ है। वहीं कई दोपहर को यहाँ पर तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी कल यहाँ पर हुई थी। वहीं कभी दिन भर में यहाँ पर गर्मी पड़ने के बाद रात को गड़गड़ाहट के साथ बारिश छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है। वहीं शुक्रवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राजधानी में तो दोपहर 4 बजे के करीब अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ गर्मी चमक के साथ तेज यहाँ पर बारिश हुई। वहीं अचानक हुई बारिश से बचने के लिए लोग यहाँ पर ओवरब्रिज के नीचे कुछ देर तक रुककर बारिश का थमने का इंतजार भी करते दिखे। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक मौसम मतलब जो तापमान है यहाँ पर सबसे अधिक दुर्ग और बिलासपुर में 39 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार एक चक्र यहाँ पर चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक के ऊपर 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक द्रोणिका उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक से दक्षिणी केरल तक 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक चक्रवाती घेरा उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर भी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं एक पूर्वी पश्चिमी द्रोणिका उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक झारखंड होते हुए 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक द्रोणिका यहां पर हवा की अनियमितता के साथ उत्तर मध्य प्रदेश से मराठवाड़ा तक 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम विज्ञानी HP चंदन ने बताया है कि आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की संभावना आज छत्तीसगढ़ के अंदर है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में यहां पर कुछ इलाकों में रायपुर में 37 अधिकतम रहा है, 26 न्यूनतम रहा है। बिलासपुर में 39 अधिकतम रहा है, 25 न्यूनतम यहां पर रहा है। अब बात करते हैं यूपी के मौसम की, तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक यूपी के कई जिलों में बारिश और आंधी का किया है अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहावना कल यहाँ पर हुआ था। वही मौसम विभाग की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। वही तेज हवाओं के साथ कुछ जिलों में बारिश तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली है। लोगों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिन तक मौसम यूं ही यहाँ पर रहेगा। कुछ जिलों में आंधी में बारिश आने का अनुमान है। वही लखनऊ में कल यहाँ पर सुबह से ही बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवा चलती रही थी। बीते दिन जहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार कर रहा था, वही 35 डिग्री के आसपास आज यहाँ पर आ चुका है। वही कल अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही शनिवार से यानी आज से यहाँ पर तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में मौसम यूं ही रहेगा। वहीं आंचलिक मौसम विभाग केंद्र के निदेशक JP गुप्ता का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम यहाँ पर बदलेगा। कुछ जगह पर बूंदाबांदी होगी तो कहीं कहीं बारिश भी यहाँ पर होगी। वहीं भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम विभाग के अंदर लखनऊ ने 12 मई तक का अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि अगले 4 दिनों में पश्चिमी व पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 12 मई को अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल में फिर बदला है मौसम का मिजाज, आज भी बारिश के लिए लोग रहे तैयार। लगातार एक हफ्ते से चल रहा बारिश का दौर आज भी जारी यहां पर रह सकता है। वही मौसम विभाग छत्तीसगढ़ के अनुसार कल यहाँ पर सुबह से बादल में सूरज के बीच यहाँ पर चल रही आगमचूल की ब्याद दोपहर बाद इंद्रदेव जमकर यहाँ पर कल शुक्रवार को बरसे। वही रोजाना हो रही बारिश से लोगों को लग नहीं रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया है।
आरम्भ यह है कि मई महीने के आरंभ से ही लोगों को यहाँ पर गर्म जो गर्म कपड़े हैं डालने पर मजबूर यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते बाजारों में लगी यहाँ पर भीड़ बिल्कुल कम हो चुकी है। वही लेकिन कई बार मौसम में यहाँ पर परिवर्तन से लोग यहाँ पर मौसम परिवर्तन के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, उन्हें खांसी जुकाम और बुखार की शिकायत हो रही है लोगों की। माने तो मई में ऐसी ठंडक यहाँ पर भरी बारिश से उन्हें पहले कभी नहीं दिखी है, मतलब हिमाचल के अंदर जो बारिश हो रही है जिससे यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। इसके कारण लोगों ने कहा है कि मई महीने के अंदर ऐसी ठंड यहाँ पर पहले कभी नहीं देखी है। वही मौसम विभाग की माने तो आज यानी शनिवार को भी मौसम कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है पूरे हिमाचल में। वही हिमाचल के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। हिमाचल के 10 जिलों में यहाँ पर तेज आंधी के साथ यहाँ पर अधेड़ और अलावृष्टि की यहाँ पर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। वही हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में यहाँ पर लगातार मतलब मई में भी हिमाचल की उच्च चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं शुक्रवार सुबह रोहतांग और कुंजुम दर्रा और बारालाचा और भरमौर और की उच्च चोटियों पर यहाँ पर बर्फबारी हुई है। वहीं सोलन में लगातार दूसरे दिन भी ओलावृष्टि हुई है। वहीं कुल्लू मनाली और शिमला और चंबा में भी कई इलाकों में बादल यहाँ पर बरसे हैं। वहीं सिरमौर और कालांबा में तेज आंधी चलने के साथ कई इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 13 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 11 मई को दोबारा मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। वही राजधानी शिमला में कल यहां पर बादल छाए हुए थे, कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। वही सोलन में लगातार दूसरे दिन भी बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि